प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो देखो डियर, यहाँ पे बीसीसीएलई 2023 का आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो है आपका अक्टूबर में आयोजित किया गया है ना। और मैंने बोला था कि आपका जो है दिवाली से पहले कि आपका मॉपअप राउंड जब भी होगा तो उसका अपडेट आप लोगों के पास आ जाएगा। और दिवाली और छठ पूजा पूरा कंप्लीट हो गया, बट अभी तक बीसीसी बोर्ड के तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है? तो देखो, इसके पीछे दो रीजंस हमें जो है मिल पाया है। पहला जो रीजंस है नोटिस नहीं आने का, वो ये है कि कॉलेज के तरफ से कोई भी रिपोर्ट भेजा नहीं गया है कि भाई किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स पे एडमिशन हुआ है और कितने नंबर ऑफ सीट्स अभी भी खाली है ना। और ना ही कॉलेज के तरफ से इस तरीके का कोई नोटिस आया है और ना ही कॉलेज को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। जब तक कॉलेज को नोटिस बोर्ड के तरफ से या डिपार्टमेंट के तरफ से कोई नोटिस नहीं जाएगा कि भाई आप हमें बताइए, हम मॉकअप राउंड करवाना चाह रहे हैं, आप अपने कॉलेज के तरफ से सीट रिपोर्ट जो है हमें शेयर कीजिए कि कितना नंबर ऑफ सीट्स अभी भी खाली है, तो इस तरीके का कोई नोटिस ही कॉलेज को ही अभी नहीं मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब अब नोटिस नहीं दिया गया कॉलेज को कि भाई आप हमें सीट रिपोर्ट बताइए कि आपके कॉलेज में कितना सीट खाली है, तो इसका एक निष्कर्ष आप यही निकाल सकते हैं कि अब आपका जो मॉपअप काउंसलिंग है वो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अपडेट मैं बताऊं, क्योंकि पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा यह है कि मैंने बीसीसी बोर्ड में बात करने की कोशिश की। वहां पे जो स्टाफ कॉल उठाते हैं वो सिंपली बोले कि इसके रिगार्डिंग कोई अभी अपडेट नहीं है, आप वेबसाइट से बने रहिएगा, आपको अपडेट मिलेगा। यानी वो भी कंफर्म नहीं किए हैं कि आपका मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट निष्कर्ष है ना, जो पहला रीजंस है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका इस बार यानी जो 2023 का है वो मॉपअप राउंड आयोजित नहीं कराया जाएगा। ये कंफर्म मैं भी नहीं अभी कर सकता, बट जो रीजंस हमारे पास निकल कर आई हैं है ना, मैंने जो बात किया वहां से जो रीजंस मुझे मिल पाया है उसके अनुसार यही है कि मॉपअप राउंड इस बार नहीं होगा, ठीक। क्योंकि अगर होना रहता तो कॉलेज को नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर मिल जाता कि भाई आप दिवाली छुट्टी के बाद हमें इतना तारीख तक या दिवाली छुट्टी से पहले आप हमें जो है वैकेंट सीट रिपोर्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि हम एक नोटिस प्रोवाइड कर सके कि मॉपअप राउंड कब से होगा है ना, कैसे होगा, पूरी जानकारी मिल सके। और आपको पता है कि 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किया था जो कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाते हैं जो लोग, चाहे वो UGAC के थ्रू हो या फिर BCC के थ्रू हो, दोनों के थ्रू ही एडमिशन हुआ, लेकिन मॉपअप राउंड दोनों में से किसी के अनुसार नहीं हुआ है ना, किसी के अनुसार मॉपअप राउंड नहीं हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो हिंदुस्तान पेपर में दिया गया था उसमें बताया गया था आपका, अगर आप हमारे MRS स्टडी पे जुड़े हुए होंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी 7,000 सीट लगभग खाली है, यानी 14,000 सीट में 7,000 सीट खाली, यानी 50% सीट उसमें खाली रह गया, लेकिन फिर भी मॉपअप राउंड आयोजित नहीं कराया गया। तो मुझे यहाँ पे भी कहने में थोड़ा दुख है, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मॉपअप राउंड में कुछ अलग और अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो सो सैड उनके लिए। और जो लोग इंतजार में थे कि मॉपअप राउंड में शायद हमें कोई कॉलेज मिले, उनके लिए भी सो सैड। अब कर भी क्या सकते हैं, बट अगर नोटिस आती है तो अच्छी बात है, गुड न्यूज आपके लिए निकल कर आएगा। बट जहां तक मुझे न्यूज मिल पाई है या मेरे पास जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार मॉपअप होने की संभावनाएं
अब ना के बराबर है, क्योंकि होना रहता तो नोटिस अब तक आ जाना चाहिए था, इतना लेट नहीं होना चाहिए था मॉपअप काउंसलिंग को आयोजित कराने को लेकर। क्योंकि आपको पता है बीच बीच में और भी कई सारे नोटिस बीसीसीआई बोर्ड की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, राइट? तो जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगा या एक सलाह यही दूंगा कि आप हमारे पेड क्लासेस के साथ जुड़िए। डेफिनेटली आपको अंडर 100 रैंक दिलाने की पूरी कोशिश हमारी टीम और हम करेंगे, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना एग्जाम में दे सके और आपका अंडर 100 अंडर 10 रैंक आप प्राप्त करें और बिहार के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे MIT हो गया, भागलपुर हो गया, नालंदा हो गया, सासाराम हो गया, पत्यारपुर हो गया, दरभंगा हो गया, छपरा हो गया, इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन करवाएं और आपका एडमिशन हो अगले साल, हम ये दुआ करेंगे अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी और के पेड क्लास से जुड़ते हैं तो आपका नहीं होगा, मैं उस कंडीशंस में भी आपके लिए मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, आपका अच्छा मार्क्स के साथ अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो। देखो हमारे लिए आपका पैसा मायने नहीं रखता है कि आप कितना में हमारे कोर्सेज को परचेज किए हो, हमारे पेड क्लासेस में कितना रुपया देकर जुड़े हो, हमारे लिए मायने ये रखता है कि हमारे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे हमारे लिए सबसे मेन जो गुरु दक्षिणा एक तरीके से जो कह सकते हो वो हमारे लिए वही है, ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है। क्योंकि भाई मैंने खुद से पढ़ा और मैं प्रॉपर तरीके से अच्छा कॉलेज तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक ठाक कॉलेज में मैंने खुद एडमिशन करवाया बिना किसी के गाइडेंस के, और जिस समय मैं एडमिशन करवाया उस समय इतना कोई गाइडेंस करने वाले नहीं था, या फिर गाइडेंस करने वाला था भी तो वहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा लगता था, 10-10 हजार 8-8 हजार लगता था, जो कि भाई एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़कों का ये पॉसिबल नहीं है कि भाई वो उतना पैसा दे। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी चार्जेस बहुत कम हुई है, लेकिन हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से कई सारे लोगों के लिए जो उम्मीद था, जो वो सपना देखते थे कि लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक हम करेंगे, उनका सपना सच हुआ है कई सारे लोगों का, ताकि वो 1,000-1,500 रुपया पे करके एक अच्छा या ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में पहले पेड क्लासेस ले और वहां से फिर BCCLE का एग्जाम दे और उनका सिलेक्शन हो। तो हमारा जो पेड क्लासेस है वो आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से आपके सीनियर्स के लिए मेहनत कर रहा था और अब आपके लिए मेहनत करेगा। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने में अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स हो रहा है, अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो कॉल आप कर सकते हैं 7488414543। यह हमारा कॉलिंग नंबर प्लस व्हाट्सएप नंबर दोनों है। आपको अगर कॉल करना है कॉल करके गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपको बात मतलब व्हाट्सएप पे बात करनी है व्हाट्सएप पे बात करके गाइडेंस ले सकते हो कि BCCLE का कोर्सेज अगर हम लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको 100% आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।